नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जब हम पशुओं में मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो तमाम हमारे किसान भाइयों का फोकस होता है कि किस तरह हम अपने पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाएं, कैसे हमारी भैंस है, हमारी गाय है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ 6 रुपये प्रतिदिन खर्च कर आप अपने पशु को न केवल भरपूर कैल्शियम दे सकते हैं बल्कि अपने पशुओं का दुग्ध उत्पादन जितना उनकी क्षमता है उतना बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएं। जैसा कि हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि जब हमारा पशु ब्याहता है और हम चाहते हैं कि हमारे पशु से अच्छा दूध मिले, तो हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, किसी फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि के पास जाते हैं, तो हर तरफ दवाइयों का एक मकड़ जाल होता है। कोई आपको बताता है कि आपके पशु को एनर्जी चाहिए, कोई बताता है इसमें कैल्शियम चाहिए, हमारे पास इस तरह का कैल्शियम है, हमने इसको बड़े अलग फॉर्म में डाल रखा है जिससे ये आपके पशु को मिलेगा। और पशुपालक जो है अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो है वो फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट्स पर उड़ाता रहता है, क्योंकि वो मजबूर है, उसको जो सलाह मिलती है वो उस हिसाब से काम करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और तमाम कैल्शियम हैं जो मार्केट में लिक्विड कैल्शियम मिल रहे हैं। गाँव में कैल्शियम की गाड़ियां लेकर घूमते रहते हैं और तमाम फर्जी नामों से वो कैल्शियम बनाकर बेचते रहते हैं। तो कैसे हम इस कैल्शियम के इस चक्रव्यूह से कि किस तरह से हम अपने पशुओं का दूध बढ़ाएंगे, हम उसे क्या देंगे, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ 5 रुपये प्रतिदिन की कॉस्ट पर, 5 से 6 रुपये प्रतिदिन की कॉस्ट पर आप अपने पशु का न केवल सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया कैल्शियम दे सकते हैं, साथ ही साथ उसे फास्फोरस और दूध बढ़ाने के लिए प्रॉपर एनर्जी भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। साथियों, वो फार्मूला और कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ 2 बातें करनी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पशुओं को अगर हमें कैल्शियम देना है तो हमारे पास कैल्शियम के कई सोर्स होते हैं। सबसे एक सस्ता सोर्स है जो खड़िया या लाइमस्टोन पाउडर बोलते हैं, उसको देते हैं, लेकिन वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन के माध्यम से वो बहुत कम है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा। वो भले ही सस्ता है, 2-4 रुपये किलो मिलता है, पर उसका जो है प्रोडक्शन पर, मिल्क प्रोडक्शन पर उतना अच्छा असर नहीं है। दूसरा जो कैल्शियम का सोर्स है वो है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे हम आम भाषा में DCP भी बोलते हैं, यही DCP होता है जो तमाम कैल्शियम बनाने वाली कंपनियाँ अपने कैल्शियम, जब वो लिक्विड कैल्शियम तैयार करती हैं या जो मिनरल मिक्सचर तैयार करती हैं या जो मिल्क बनाने वाले बोलस तैयार होते हैं, उसमें ये DCP होता है। तो हमें क्या करना है, हमें DCP जो है वो परचेज करना है सीधे, हमें मिनरल मिक्सचर नहीं लेना है, हमें DCP लेना है। हमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये तमाम कंपनियों से, आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको कई ऐसी कंपनियाँ मिल जाएंगी जो DCP जो है वो सेल करती हैं, फीड कंपनियां उनसे DCP खरीदती हैं, तो आप भी सीधे DCP ले सकते हैं। DCP में मिनिमम 18% फास्फोरस और 24 से 28% तक कैल्शियम होता है। यानी अगर हम अपने पशु को 50 ग्राम DCP दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपने पशु को जब आप 50 ग्राम DCP देते हैं तो उसे 14 ग्राम कैल्शियम और 9 ग्राम फास्फोरस मिलता ही मिलता है। 14 ग्राम कैल्शियम और 9 ग्राम फास्फोरस कोई भी मिनरल मिक्सचर और लिक्विड कैल्शियम आपके पशु को नहीं देने वाला है। और आप जानते हैं 1 किलो DCP की कास्ट क्या होती है, सिर्फ 30 से 40 रुपए के बीच में 1 किलो डाई कैल्शियम फास्फेट उपलब्ध है। तो जब हम 1 किलो डाई कैल्शियम फास्फेट लेंगे और उसकी हम 20 दिनों में हम अपने पशु को देंगे, तो अगर आप 40 रुपए वाला भी डाई कैल्शियम फास्फेट लेते हैं तो यानी पर डे सिर्फ 2 रुपए के खर्च पर आप उसे अपने पशु को कैल्शियम और फास्फोरस की एक अच्छी खुराक दे रहे हैं।
लेकिन तब भी कई मेरे पशुपालक भाई बोलते हैं कि जब हम लिक्विड कैल्शियम पिलाते हैं तो दूध बड़ा बढ़ जाता है। वो दूध सिर्फ कैल्शियम की वजह से नहीं बढ़ता, कैल्शियम तो वो आपको जब 100 ml आप कैल्शियम अपने पशु को पिलाते हैं तो सिर्फ 3.5 ग्राम कैल्शियम मिलता है, और जो मैं आपको DCP बता रहा हूँ उससे आपको 14 ग्राम कैल्शियम एक बार में ही मिलेगा। तो दूध कैसे बढ़ता है? दूध बढ़ता है जो उसमें एनर्जी सोर्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, उसकी वजह से दूध बढ़ता है। तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? तो उसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप गुड़ लेंगे, आप गुड़ लेंगे और पर डे अपने पशु को 50 ग्राम डाई कैल्शियम फास्फेट के साथ 100 ग्राम गुड़ अपने पशु को घोल कर या वैसे भी खिला सकते हैं। तो जब आप 100 ग्राम गुड़ देंगे अपने पशु को तो उसकी कॉस्ट आएगी लगभग 4 रुपये। तो 4 रुपये का आपका गुड़ हो गया और 2 रुपये का आपका DCP हो गया, 6 रुपये, और हो सकता है कि आपकी कॉस्ट 5 रुपये ही है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें अपने पशु को देना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई और दूसरे कैल्शियम सोर्स की, एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपका पशु बहुत बढ़िया दुग्ध उत्पादन कर रहा है और वो भी सिर्फ 5 से 6 रुपये पर डे की कॉस्ट पर। तो इसको आजमाइए और इसके कैसे रिजल्ट हैं वो मुझे बताइए, अपने कमेंट्स लिखिए। दोस्तों आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी, अपने अगले वीडियो में अपनी फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपके सामने हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।